अगर आपकी भी एड़ियां फट गई हैं, कितनी भी कोशिश कर ली है उनको ठीक करने की, फिर भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, तो एक बार इस घर पर बनी क्रैक्ड हील क्रीम को ट्राई करके देखो। ये आपकी एड़ियों को एक हफ्ते के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना देगी और साथ ही आपके पैरों को भी सुंदर बनाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्रीम को बनाना। इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सरसों का तेल। एक गैस पर पैन रखकर उसके बाद में उसमें ऐड करें 1/4 कप सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, और फिर जो हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद में उसमें ऐड करें कैम्फर यानी कपूर। ये जो कपूर है जो हमारे घरों में पूजा में यूज़ होता है, वही कपूर आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। मेरे पास ये छोटी छोटी गोलियाँ थी कपूर की, तो मैं इन्हें यहाँ पर ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर 2 गोलियाँ ली हैं। अगर आपके पास बड़ी गोली है तो आप उसे एक ही डालें इसमें। और फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 चम्मच ग्लिसरीन। अगर आपके पास ग्लिसरीन नहीं है तो आप ले सकते हो पेट्रोलियम जेली यानी जो वैसलीन होती है, उसके अलावा आप ले सकते हो कोकोनट ऑयल। और फिर यहाँ पर एक मोमबत्ती की जो वैक्स है मैंने तोड़ ली है, यानी एक मोमबत्ती मैंने तोड़ ली है और इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर आपको एक छोटी मोमबत्ती लेनी है, यानी जो 1 से 2 रुपए तक की मोमबत्ती मिलती है वही आपको यहाँ पर लेनी है। बड़ी मोमबत्ती आपको यहाँ पर ऐड नहीं करनी है, वरना आपकी क्रीम काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। और फिर इसके बाद में बस ये सब जब तक मेल्ट नहीं हो जाते सरसों के तेल के साथ में, तब तक आपको इन्हें गर्म करना है। ज़्यादा देर आपको इन्हें कुक नहीं करना है। ये जो क्रीम यहाँ पर मैं बनाकर तैयार करने वाली हूँ वो आपको मार्केट में मिलने वाली किसी भी महंगी से महंगी क्रीम से ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये जो क्रीम है वो 100% वर्क करती है। फटी एड़ियों को बहुत ही इजीली आपको ठीक कर देगी। आपको ज़्यादा दिन इंतज़ार भी नहीं करना होगा, केवल 1 हफ्ता आप इसे लगाओगे और आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा आपकी एड़ियों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी जो चीज़ें हैं वो मेल्ट हो चुकी हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ज़्यादा नहीं। और जब ये थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा उसके बाद में आप इस तरीके के किसी कंटेनर में इसे पलट लीजिए। और जब आप इसे किसी कंटेनर में पलट लें उसके बाद में या तो आप इसे फ्रिज में रख दें, वैसे तो अभी सर्दियों का टाइम है तो आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे ऐसे ही छोड़ दें और जो आपकी क्रीम है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी क्रीम है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है, यानी ये जो हमारा जो लिक्विड फॉर्म में था वो एक क्रीमी फॉर्म में आ चुका है, यानी जो हमारी क्रैक्ड हिल क्रीम है वो बनकर तैयार हो गई है। आप इस तरीके का एक एयर टाइट कंटेनर लेकर इसको आप आराम से महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। ये जो क्रीम है वो ख़राब नहीं होने वाली है आपकी। इसके बाद में इसे इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले आप अपने पैरों को अच्छे से धो लें, और अगर आपकी ज़्यादा डेड स्किन है तो आप उसे प्यूमिक स्टोन या फिर किसी भी स्टोन के साथ में उसे घिस लें ताकि डेड स्किन हट जाए। उसके बाद में आप इस क्रीम को अच्छे से पूरी एरियों पर पैरों पर अप्लाई कर लें, जैसे कि मैं वीडियो में दिखाऊंगी उस तरीके से। बस आपको इतनी सी क्वांटिटी में इस क्रीम को लेना है और पूरे पैरों पर इस तरीके से लगा लेना है। आपको कुछ सेकेंड्स की मसाज करनी है बस अपने पैरों पर, ज़्यादा देर आपको इसे घिसना नहीं है। अगर एड़ियों के साथ साथ आपके जो पैर हैं वो आगे से भी काफ़ी ज़्यादा रफ़ और काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं तो इन्हें आप वहाँ भी लगा सकते हो। मेरी बस एड़ियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गई हैं तो मैं उसी एरिया में इस क्रीम को लगा रही हूँ। ये जो क्रीम है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप इसे रात को लगा कर सोओगे और सुबह में आप देखोगे कि जो आपकी एड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस आपको इसे लगातार लगाना है और आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्रीम को लगाने के बाद में इस तरीके से एक सॉक्स पहन लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक पैर पर ये क्रीम अप्लाई करके सॉक्स पहन लिया है, और इसके बाद में मैं दूसरे पैर पर भी सेम तरीके से इस क्रीम को अप्लाई कर लूँगी और उस पर भी सॉक्स पहन लूँगी। और सॉक्स को पहनकर आपको सिर्फ सो जाना है और सुबह में अपने पैरों को वॉश कर लेना है। तो ये है हमारी क्रैक्ड हील क्रीम, जो कि घर पर बहुत ही ईजिली और सस्ते दामों में बनकर तैयार हो गई है। इस क्रीम के आगे महंगी महंगी क्रीम तो फेल हो ही जाएंगी, साथ ही आपको ये क्रीम इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाओगे और दूसरों को भी बोलोगे कि इस क्रीम को आप एक बार ट्राई करके देखो। अगर आप इस क्रीम को ट्राई करते हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये क्रीम कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।